सोनू सूद इन दिनों अपने काम से लोगों के मसीहा बने हुए हैं। मजदूरों को घर भेजने के साथ साथ वो लगातार लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क भी बनाए हुए हैं और लोग अब उन्हें असल जिंदगी का हीरो बता रहे हैं। लेकिन इस दरिया दिल इंसान से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनकी वजह से आज इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए। आइए आपको भी इस वीडियो में उन चार किस्सों के बारे में बताते हैं। पहला किस्सा, मम्मी पापा के कहने पर की इंजीनियरिंग। सोनू सूद पंजाब के मोगा से हैं। मोगा में उनके पापा की कपड़े की दुकान थी जिसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस था। मम्मी प्रोफेसर थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा खासा काम करे और बड़ा आदमी बने। ऐसे में उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए सोनू को नागपुर भेज दिया। सोनू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी बन गए, लेकिन हीरो बनने का कीड़ा तो उनके अंदर समाया हुआ था। सोनू ने अपनी माँ से हीरो बनने की गुजारिश की और मुंबई जाने को कहा, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें परमिशन भी दे दी। दूसरा किस्सा, 5-6 लोगों के साथ एक फ्लैट में किया गुजारा। मम्मी पापा की रजामंदी से सोनू बॉम्बे आ गए और स्ट्रगल शुरू हो गया। एक फ्लैट में 5-6 लोगों के साथ वो रहने लगे। कुछ नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था, हर कोई रिजेक्ट किए जा रहा था। आखिरकार पता चला कि एक जगह हीरोइन के लिए लड़की ढूंढी जा रही है और सोनू ने अपनी एक फोटो को वहाँ भेज दिया। वहाँ तस्वीरें गई तो सोनू की किस्मत भी काम कर गई। सोनू को एक साउथ इंडियन फिल्म के ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। तीसरा किस्सा, शर्ट उतारने पर मिली थी फिल्म। सोनू का ये ऑडिशन था चेन्नई में। जब सोनू वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बैठे थे उन्होंने कहा कि शर्ट उतारो। सोनू कंफ्यूज हो गए कि भाई शर्ट क्यों उतरवा रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर रोल चाहिए तो शर्ट उतारनी पड़ेगी। सोनू ने शर्ट उतार दी। सबने उनकी बॉडी की खूब तारीफ की। बॉडी बिल्डिंग का सोनू को काफी शौक था। सोनू की शर्ट जो है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि इसी वजह से उतरवाई गई थी। वो उतरवाई जा रही थी उनकी बॉडी देखने के लिए। बॉडी देखी गई और सोनू सिलेक्ट हो गए और उन्हें साउथ इंडियन फिल्म में रोल भी मिल गया। और चौथा किस्सा, शहीद आजम भगत सिंह से चमकी किस्मत। सोनू ने तमिल फिल्म की, उसके बाद तेलुगु फिल्म भी की, फिर बारी आई हिंदी फिल्म की। उसके बाद सोनू ने हिंदी फिल्म की शहीद आजम भगत सिंह। इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया था और फिर तो मोगा वाले बॉम्बे क्लॉथ हाउस वालों का जो लड़का है उसकी किस्मत चमक गई और सोनू को उसके बाद खूब सारी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। सोनू ने अभी तक कई ऐसी फिल्में की जिसमें उनके किरदारों को खूब पसंद किया गया। दबंग में सोनू को उनके कैरेक्टर छेदी सिंह के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। आज सोनू बॉलीवुड फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि लोगों के दिलों के भी हीरो हैं। उन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है।